अणुओं की संरचना। आप पहले से जानते हैं कि हमारे चारों ओर की सारी चीजें छोटे छोटे परमाणुओं से बनी होती हैं। ये परमाणु आपस में मिलकर बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। अब यहाँ लाल, सफेद, नीले और पीले स्कार्फ पहने हमारे दोस्तों को देखें। आज ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के परमाणु बने हुए हैं। ये दोस्त हमें दिखाएंगे कि अलग अलग चीजों के अणु कैसे बनते हैं और वो दिखते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से शुरुआत करते हैं। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं, जो एक सीधी रेखा की तरह होता है। गैस मिले सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल यानी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलने पर जो गैस बाहर निकलती है, CO2 उसी गैस का सबसे छोटा कण होता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब भी यही गैस बाहर निकलती है। पौधे CO2 को ही अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पानी यानी H2O। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणुओं के साथ मिलकर H2O बनता है। लेकिन CO2 में भी तीन अणु थे और H2O में भी। लेकिन ध्यान से देखिए कि कैसे H2O की संरचना थोड़ी मुड़ी हुई है, जबकि CO2 की एक सीधी रेखा थी। अब हमें आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि पानी हमारे रोज के जीवन के लिए कितना जरूरी होता है। इसीलिए तो इसे जीवन का अमृत माना जाता है। क्या आपने अमोनिया का नाम सुना है? NH3 एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर NH3 बनाते हैं। NH3 अमोनिया का रासायनिक फॉर्मूला है, जिसमें एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ बनकर एक पिरामिड का आकार लिए हुए होता है। इस पिरामिड को ट्राइगोनल पिरामिड भी कहते हैं। बहुत ही खराब गंध होती है अमोनिया की। अधिकतर सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जो द्रव होते हैं उनमें अमोनिया पाया जाता है। खेतों में पड़ने वाली रासायनिक खादों में भी अमोनिया अक्सर पाया जाता है। अब हो सकता है आपने मीथेन के बारे में नहीं सुना हो। मीथेन में एक कार्बन और चार हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसमें एक कार्बन का परमाणु चार हाइड्रोजन के परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसका आकार अमोनिया से मिलता जुलता तो है, लेकिन समान नहीं है। ये एक झोपड़ी जैसा दिखता है, जिसे टेट्राहेड्रल कहा जाता है। मीथेन CNG का मुख्य अंग है। CNG के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल CNG ऑटो रिक्शा और बसों में ईंधन के रूप में काफी इस्तेमाल हो रही है। डीजल और पेट्रोल के बदले ये एक सस्ता और ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। ऐसे ही और रसायनों और उनके फॉर्मूला को अपने किताब में ढूंढें और उनकी संरचना बनाने की कोशिश करें। फिर अपने दोस्तों से कहें कि अनुमान लगाओ भाई कि हम क्या बने हैं। जरा पता तो चले कि आपके दोस्त कितने होशियार हैं।